हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास शुरू की क्लास है और इस वीक में मैं वीडियो नहीं बना पाया ज़्यादातर क्या, सिर्फ एक ही वीडियो आई है जो कि थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम घर पर, क्योंकि घर का काम भी चल रहा है जिसकी वजह से मैं आपके बीच में वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन आज गुरुवार है और मैंने सोचा कि एटलीस्ट आई शुड मेक वीडियो, जो भी हो वीडियो बनाते रहना चाहिए। क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि हो सकता है बोर्ड भी चमक रहा हो आपके लिए, सो टेंशन नहीं लेना। ओके, मैं ज़्यादातर बोलने का प्रयास करूँगा, जो मैं लिखूँगा वो मैं बोलूँगा ताकि आप लोग अच्छे से सेंटेंस बना पाओ और आप लोग समझ सकें। ओके, तो ये कुछ दिन की समस्या है, ये समस्या है, कुछ दिन बाद हल हो जाएगी। उसके बाद हम कंटिन्यूस मतलब अच्छी क्वालिटी में आपके लिए वीडियो भी लाएंगे और आप अंग्रेजी भी सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे शुड, आज बुक भी नहीं है, सिर्फ हम शुड की क्लास करेंगे और शुड की पूरी सीरीज होगी वीक में, क्योंकि शुड बहुत बड़ा है। और अगर हम बात करें कि शुड की, तो इंग्लिश स्पोकन के पर्पज से शुड मोस्टली यूज होता है शुड में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, क्या हम शुड कर रहे हैं, स्टार्ट आज क्या कर रहा है, शुड कर रहा है, ये मॉडल वर्ब है। अब इसकी पहचान की बात करें तो पहचान है इसकी, इसकी पहचान अगर देख लो आप लोग तो सामान्यतः हम किसका चाहिए बोलते हैं, चाहिए या सामान्यतः है। ओके, क्या है सामान्यतः है, इसमें किसका सेंस आता है, चाहिए का सेंस आता है, चाहिए। ओके, उसके बाद जैसे हम ओ की मात्रा भी आ सकती है, छोटू की मात्रा भी आ सकता है, बड़ों की मात्रा भी आ सकती है, मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो यह सामान्यतः यूज़ होता है, जनरल एडवाइस के लिए यूज़ होता है। ओके, जैसे हमें जनरल एडवाइस देना तो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे हम सेंटेंस अगर हम देखें तो हम बात करें सेंटेंस की, चाहिए तो हम बोल सकते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, उससे स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, हमें अच्छी अंग्रेजी बोलनी चाहिए। या फिर उसके और अगर करें तो आप अंग्रेजी बोलो, बोल सकते हैं आप अंग्रेजी बोलो, हम सच बोलें, मैं काम करूँ, मैं क्या करूँ बोल सकता हूँ, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस देख लेते हैं आसानी के साथ। तो सेंटेंस क्या है, जैसे आप सच बोलें। ओके, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, नहीं बुद्धिमान बनना नहीं, हमें सच बोलना चाहिए, बोल सकते हैं या सच बोलना चाहिए, या हम बोल सकते हैं ये भी सच बोले, एक से बनेगा ये सजेशन के लिए ए। ठीक है, और हम बोल सकते हैं आप दवाई खा लो, आप दवाई खा लो, हम जनरल जो एडवाइस रहती है उसके लिए यूज़ करते हैं, आप दवाई खा लो, बोल सकते हैं आप दवाई खा लो, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके, हम या फिर सुमित पढ़ाई करे, बोल सकते हैं, मतलब शुड का सेंस आएगा, सुमित पढ़ाई करे, सेंस के ऊपर है, जितना भी शुड है सामने चाहिए है और ज़्यादातर सेंस के ऊपर है, किसके ऊपर है, सेंस मतलब क्या होता है, भाव ऊपर है, तो एक ही मात्रा भी आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल आ सकती है, मैं स्कूल जाऊँ, तो इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, आपको इसके बनाने हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है, आसानी के साथ हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्या हो, लाइटिंग की दिक्कत हो, टेंशन नहीं लेना आप, मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी पेन ली हूँ, आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो देखो कहाँ तक आएंगे, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अपनी कॉपी पर लिख लो। ओके, नेगेटिव बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट,
प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का हम यूज करते हैं. ओके नेक्स्ट लेते हैं, हम क्या लेते हैं, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड तो आता ही है. ठीक है, थोड़ी सी मैं स्मॉल भाषा में लिख रहा हूँ. फिर क्या आएगा, शुड आएगा प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हम हर बार की तरह यूज़ करते हैं. ऐसे क्वेश्चन वर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन वर्ड को हम क्यू डब्ल्यू लिखते हैं, प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं जब क्यू डब्ल्यू प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट. मैं बोल रहा हूँ आपको साथ साथ लिखना है, अगर दिक्कत हो तो देख लेना, ठीक है, और रिपीट कर दूंगा क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत थोड़ी सी हो रही है. ठीक है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड का हम यूज़ करते हैं. तो इस प्रकार आपने देखा कि हम स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. स्ट्रक्चर मैं रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. ओके, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड थर्ड स्ट्रक्चर हो गया. शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड का यूज करेंगे. ओके, क्वेश्चन वर्ड शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड. ओके, क्लियर हुआ स्ट्रक्चर, शुड प्लस क्वेश्चन वर्ड शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट और नॉट आएगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड का हम यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, हम अदर वर्ड का हम यूज करते हैं. ठीक है, तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा आपके लिए. तो हम सेंटेंस बना गए, हमें सेंटेंस कैसे बनाना है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए. और जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, आपको बहुत सारे करने हैं कि शुड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सेंटेंस लगाऊंगा. शुड का पोर्शन बहुत बड़ा है क्योंकि शुड है, शुड बी है, शुड हैव है, डबल शुड हैव है, शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, और मतलब बहुत सारी यूजफुल जो मैं नई चीज़ लाऊंगा वो भी आपके लिए मैं बताऊंगा. ओके, तो आई होप इतना आपके लिए क्लियर होगा. क्या होगा, इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा. ओके, तो हम नेक्स्ट हम जाते हैं, हम स्ट्रक्चर की तो हमने बना लिए, अब सेंटेंस बनाते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, आप सच बोलें. क्या है, आप सच बोलें, मतलब हम जनरल एडवाइस दे रहे हैं किसी को. आप सच बोलें, प्रेशराइज नहीं कर सकते. ओके, आप सच बोलें, ए की मात्रा, छोटू की मात्रा, बड़ों की मात्रा, आप सच बोले या फिर बोलो, ओ की मात्रा भी आ सकता है. ओके, यहाँ ए की मात्रा कर दो. सेंटेंस बनाना में स्टार्ट करते हैं. ओके, आसानी के साथ हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आप सच बोलें. क्या वह है, आप सच बोलें, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखना हमें सेंटेंस बनाने कैसे है, आप सच बोलें. ओके, हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, सेंटेंस भी हमने बना चुके हैं आसानी, मतलब ये भी हमने लिख लिए थे और पहचान आपको पता ही है. तो फर्स्ट देखो, आप सच बोलें, आपको सब्जेक्ट शुड है, शुड मतलब मॉडल वर्ब होती है, वर्ब आपको पता है, ऑब्जेक्ट आपको पता है, अदर वर्ब आपको पता है. अगर आपने पहली वीडियो देखी, अगर आप नई वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं. पहले आप सच बोलें, आप मतलब यू मतलब सब्जेक्ट, क्या है, आप सच बोलें, क्या बोलें, आप सच बोलें. तो सिंपल बोल सकते हैं, यू शुड स्पीक ट्रुथ, यू शुड स्पीक ट्रुथ. आप सच नहीं बोलें, आप सच नहीं बोलें, आप सच नहीं बोलें. बना सकते हैं, यू शुड नॉट स्पीक ट्रुथ. बोल सकते हैं, बना भी सकते हैं. क्या आप सच बोलें, क्या आप सच बोलें, बोल सकते हैं, क्या आप सच बोलें, बोलेंगे क्या आएगा, शुड यू स्पीक ट्रुथ. बन गया, बिल्कुल बन गया. नेक्स्ट बनाओ, क्या आप सच नहीं बोलें, क्या आप जनरल एडवाइस दे रहे हैं, क्या आप सच नहीं बोलें, क्या आप सच नहीं बोल रहे. अगर नैतिकता की बात करें तो क्या आपको सच नहीं बोलना चाहिए, बोल सकते हैं, ऐसा ही है. तो क्या, शुड यू नॉट स्पीक ट्रुथ, शुड यू नॉट स्पीक ट्रुथ.
बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप सच कैसे बोले, हो सकता कोई दबा रहा हो, कैसे बोल सकते हैं आप सच, आप सच कैसे बोले, कैसे बोले, कहेगा हाउ शुड यू स्पीक ट्रूथ, हाउ शुड यू स्पीक ट्रूथ, आप सच कैसे नहीं बोले, आप सच कैसे नहीं बोले, बनाओ सेंटेंस, कैसे नहीं बोले, कैसे, तो क्या आएगा कैसे के बोला हाउ होता है, क्या होता है हाउ होता है, आप सच कैसे नहीं बोले, तो आज हाउ शुड यू नॉट स्पीक ट्रूथ, हाउ शुड यू नॉट स्पीक ट्रूथ, ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया सेंटेंस आपको बनाने कैसे है, आप सच बोले यू शुड स्पीक ट्रूथ, आप सच नहीं बोले यू शुड नॉट स्पीक ट्रूथ, क्या आप सच बोले शुड यू स्पीक ट्रूथ, क्या आप सच नहीं बोले शुड यू नॉट स्पीक ट्रूथ, आप सच कैसे बोले हाउ शुड यू स्पीक ट्रूथ, आप सच कैसे नहीं बोले हाउ शुड यू नॉट स्पीक ट्रूथ। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सेंटेंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, सामान्यतः ही शुड स्टडी, उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट स्टडी, क्या उसे पढ़ाई करनी चाहिए, शुड ही स्टडी, क्या उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शुड ही नॉट स्टडी, उसे पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, वाई शुड ही स्टडी, उसे पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, वाई शुड ही नॉट स्टडी। आप दवाई खा लो, बोल सकते हैं आप दवाई खा लो, या हमें सच बोलना चाहिए, वो तो है आप दवाई खा लो, बोल सकते हैं यू शुड टेक मेडिसिन, आप दवाई नहीं खा लो, यू शुड नॉट टेक मेडिसिन, या आप सीधे बोल सकते हैं दवाई खा लो, अगर हम आप हटा दो तो अभी हम बोल सकते हैं दवाई खा लो, इसका लेके सेंस के रूप में यूज करना पड़ेगा, भाव के रूप में, भाव, तो बोल सकते हैं दवाई खा लो, यू शुड टेक मेडिसिन, अगर आप एडवाइस दे रहे हैं किसी को, ना तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं टेक मेडिसिन, इंपरेटिव सेंटेंस है, आप दवाई खा लो यू शुड टेक मेडिसिन, आप दवाई नहीं खा लो यू शुड नॉट टेक मेडिसिन, क्या आप दवाई खा लो शुड यू मेक मेडिसिन, सॉरी शुड यू टेक मेडिसिन, क्या आप दवाई नहीं खा लो शुड यू नॉट टेक मेडिसिन, आप दवाई क्यों खा लो वाई शुड यू मेक, वाई शुड यू टेक मेडिसिन, आप दवाई क्यों नहीं खा लो वाई शुड यू नॉट टेक मेडिसिन, ऐसे बना सकते हैं। समय पढ़ाई करें बना सकते हैं, समय शुड स्टडी, समय पढ़ाई नहीं करें, समय शुड नॉट स्टडी, क्या समय पढ़ाई करें शुड समय स्टडी, क्या समय पढ़ाई नहीं करें शुड समय नॉट स्टडी, समय पढ़ाई क्यों करें वाई शुड समय स्टडी, समय पढ़ाई क्यों नहीं करें Why should Sumit not study, बोल सकते हैं। मैं स्कूल जाऊं, आप पढ़ाई करें, बोल सकते हैं इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं ये नहीं बना रहा, मैं पढ़ाई करूं, चलो बना लेते हैं, मैं पढ़ाई करूं, I should study, मैं पढ़ाई नहीं करूं, I should not study, क्या मैं पढ़ाई करूं should I study, क्या मैं पढ़ाई नहीं करूं should I not study, मैं पढ़ाई क्यों करूं Why should I study, मैं पढ़ाई क्यों नहीं करूं Why should I not study? तो हम why का हमने बार बार यूज़ किया, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली का यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड की यूज़ कर सकते हैं, वो तो मेरे प्रैक्टिस में थोड़ा सा आ गया है, शुड इंस्टेंटली दिमाग में आ जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करो तो आपको एवरीथिंग यू हैव टू कवर, आपको सब कुछ कवर करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको एटलीस्ट इसके 10 सेंटेंस बनाने हैं। शुड की बहुत सारी क्लासेस रहेंगी, मैं कल इसका प्रैक्टिस लाऊंगा, अच्छे अच्छे मैं सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप अच्छे सेंटेंस बना सकें, मिक्स भी लाऊंगा कि 6 सेंटेंस ही बनाएंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुड की सेंटेंस बनाने ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि यह इसमें ज़्यादा सेंस है, भाव है इसमें, आपको आपको भाव समझना पड़ेगा, सेंस समझना पड़ेगा, तब आप अच्छे से परफेक्टली सेंटेंस को बना सकते हैं, आप सामने वाले के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो थी, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि मैं खबरी ऐप पर भी उपलब्ध हो गया हूँ, ECLE का सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ें जिसमें idioms हैं, फ्रेज हैं, वोकैब हैं, स्टोरीज हैं और कोई नई नई चीज़ें हैं, वो आप पॉडकास्ट के माध्यम से, एक प्रकार से रेडियो है उसके माध्यम से आप अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने जरूरी नहीं है, अगर आप खबरी ऐप को डाउनलोड करते हो और वहाँ पर जाते हो ECLE सर्च करते हैं, तो जस्ट आपने स्टार्ट करी, ज़्यादा नहीं वीडियो ज़्यादा नहीं रहती, मात्र 5 मिनट से कमी रहती है, कमी रहती है, तो कुछ नहीं स्टार्ट किया और कुछ भी करते रहे, सुनते रहे, तो लिसनिंग भी हो जाएगी, तो यह
खबरें अब भी आपके लिए उपलब्ध यूजफुल हो सकता है, हो सकता हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे जाना वहाँ मिल जाएगा। ओके, और यदि आपने ईशेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब सारा ख्याल रखें।